नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पर। आज की वीडियो में दोस्तों जो मैच कवर करूंगा वो मैच है दोस्तों ECC T10 फाइनल बिग का सेकंड क्वालिफायर मुकाबला। ये दोस्तों आज के दिन का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला है जो खेला जाएगा यहाँ पर टीम इंग्लैंड 11 वर्सेज टीम बेल्जियम के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि दोनों टीम्स ने इस टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म किया है, दोनों टीम्स ने लास्ट मैच में कैसा परफॉर्म किया था और उनकी इस लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोग किस प्लेयर को कैप्टन रखोगे, किस प्लेयर को वाइस कैप्टन रखोगे और किस प्लेयर को आप लोग अपनी टीम से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। तो ये सारी जानकारियाँ जो भी इस मैच से रिलेटेड हैं और आपको इस मुकाबले में विन कराने में मदद करेंगी उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं या फिर कुछ अर्न करना चाहते हैं। तो बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ अभी के समय 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर ऑल भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। तो बात करूँ मैं सबसे पहले दोनों टीम्स के प्रीव्यू की, तो इंग्लैंड 11 की जो टीम है वो टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन पर है और बेल्जियम की जो टीम है वो टूर्नामेंट में थर्ड पोजीशन पर है। लेकिन इन दोनों का जब हेड टू हेड रिकॉर्ड लास्ट मैच में हुआ था, हेड टू हेड मुकाबला, तो वहाँ पर बेल्जियम की टीम ने इंग्लैंड 11 को हरा दिया था। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों टीम इक्वली स्ट्रांग है और आप एक बैलेंस टीम क्रिएट करना चाहेंगे। तो देखिए इंग्लैंड 11 ने आज के दिन का अपना पहला मुकाबला खेला और ये आज के दिन का अपना पहला मुकाबला जीत गए, जबकि जो टीम बेल्जियम है वो कल उसने अपना जो मुकाबला खेला था वो हार के आ रही है और आज के दिन अपना इस मुकाबले को वो विन करना ज़रूर चाहेगी। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन से, डी लिंकन, ए रजा। क्रेडिट आप देख लीजिए दोनों का 10-10 है, तो यानी आपको इस मुकाबले में क्रेडिट की समस्या आने वाली है। तो देखिए हुआ क्या दोस्तों, डी लिंकन लास्ट मैच में मैंने आपको बताया था कि चेस करते हुए ये कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे, वो चेस करते हुए ये ज़्यादा रन बना नहीं पाए, 14 या 15 रन इन्होंने बनाए थे लेकिन विकेट कीपिंग काफ़ी अच्छी कर दी थी इन्होंने। उसके अलावा ए रजा जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी बैटिंग करके देने वाले हैं और लास्ट मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की भी थी। तो आप चाहे यहाँ पे दो विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे दो विकेट कीपर पिक कर लेता हूँ, अगर मुझे आगे क्रेडिट प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। बैटिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर महमूद है एज अ बैट्समैन एज अ बॉलर, दोनों डिपार्टमेंट से आपको पॉइंट देंगे तो इनको भी करेंगे। दूसरी भी कैचवाड़ की है और लास्ट मुकाबला जो उनकी टीम जीती वो इन्हीं की दम पर जीती है, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की थी। उसके अलावा ए मेलोर को पिक करेंगे, बाकी और कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं इतना बेटर जिसे आप पिक कर सकें। और रहीमी की मैं बात करूँ तो इनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, ओनली क्रेडिट के कारण ही लोगों ने इनको पिक करके रखा है, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है, इनको पिक करने का कोई यूज़फुल नहीं है ये, तो उसी कारण से हम लोग इनको ट्राई नहीं करेंगे। बाकी एलवेब की मैं बात करूँ तो आप इनको ट्राई करना चाहें कर सकते हैं क्रेडिट बचाने के लिए। बाकी जो तीन मेन बैट्समैन हमारे रहने वाले हैं वो यहाँ पर एफ महमूद, वार्ड और मेलोर रहने वाले हैं। बात की जाए दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो लास्ट मैच में काफ़ी अजीब चीज़ हुई कि एस पर्स को एक भी ओवर की बॉलिंग नहीं दी गई, इन्होंने खुद की नहीं या फिर इनको मिली नहीं, कोई नहीं जानता, ना ही इन्होंने बल्लेबाजी की। तो लास्ट मैच में इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी जीरो था और क्रेडिट आप देखिए 10 का क्रेडिट है इनका। तो अगर आप फिर से रिस्क लेकर इनको अपनी टीम में ड्रॉप मतलब पिक करेंगे तो आगे आप एक अच्छे प्लेयर्स को पिक नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण से मैं एस पर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एस जाकिल को पिक करूँगा, इनकी भी परफॉर्मेंस भी दोस्तों सेम है, इनका भी कोई कंफर्म नहीं है कि बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं पिक करके चलता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे बी अजीज़ को पिक करूँगा, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, एक या दो ओवर की पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेंगे। बाकी यहाँ पर मैं रिस्टेन को अपनी टीम में पिक करूँगा, जिन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और बॉलिंग तो ये करते ही करते हैं, तो इसी कारण से इनको मैं पिक कर लूँगा। अब बात की जाए दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट की समस्या देखने को मिलेगी और इसको आपको कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले देखिए जो विकेट टेकर बॉलर है वो यहाँ पर रसल है, लास्ट मैच में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो आप इनको पिक करेंगे। दूसरी पिक आपके लिए एडवर्ड की रहेगी, आप इनको पिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके पास क्रेडिट बचता है ओनली 6 का,
तो इस 6 के क्रेडिट में ना ही तो आप किसी एक अच्छे बैट्समैन को ले पाएंगे, ना ही किसी एक अच्छे बॉलर या फिर ऑलराउंडर को ले पाएंगे। अगर आप यहाँ पर आके रजा को अपनी टीम से ड्रॉप कर देते हैं तो आपके पास 16 का क्रेडिट आ जाएगा। इस क्रेडिट में भी आप लोग किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में पिक नहीं कर पाएंगे। और आप अगर यहाँ पर महमूद को ड्रॉप कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ क्रेडिट बचेगा, तो जहाँ पर आप देखिए क्रमी को पिक कर पाएंगे और यहाँ पे वकास रजा को पिक कर पाएंगे। और आपके पास अब 9 का क्रेडिट बच जाता है जहाँ पर आप एक बैट्समैन पिक कर सकते हैं जो कि है यहाँ पे रहीमी। और आप चाहें तो यहाँ पर किसी और एक्स्ट्रा प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, सैफेट को अगर खेलते हैं या फिर किसी एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को भी पिक करके चल सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे स्पर्स को तो ट्राई नहीं कर पाएंगे, तो अभी के लिए मैं वकास रजा को पिक करूंगा। तो दोस्तों सारे जो अपोनेंट है ना आपके वो इसी टीम के साथ आ सकते हैं क्योंकि बिल्कुल भी बैलेंस टीम है ये, और सारे जो भी विकेट टेकर बॉलर्स थे और अटैकिंग बैट्समैन थे सभी हमारी टीम में यहाँ पर रहने वाले हैं। जिस भी एप्लीकेशन पे क्रेडिट हो आप चाहें तो यहाँ पर मैं ए मेलोर की जगह पर रिस्क लेके एफ महमूद को अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूँ। ए मेलोर के ऊपर मैंने इस मुकाबले में रिस्क लिया है क्योंकि फैजल महमूद मुझे एक पिक करना ही करना है, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजा को ड्रॉप कर दिया, तो उनकी भरपाई के लिए मुझे यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से एफ महमूद को अपनी टीम में पिक करके चलना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल क्रेडिट मैनेज करते हुए जो टीम है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो मैंने अपनी इस टीम में 5 प्लेयर जो लिए हैं वो टीम इंग्लैंड 11 के लिए हैं और 6 प्लेयर मैंने यहाँ पर टीम बेल्जियम के लिए हैं। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो मैंने 1 विकेट कीपर पिक किया, 3 बैट्समैन पिक किए हैं, 3 ऑलराउंडर्स पिक किए और 4 मैंने बॉलर्स पिक किए हैं। टीम को प्रीव्यू की मैं बात करूं तो मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से डी लिंकन को पिक किया जो कि एज अ विकेट कीपर आपको पॉइंट देंगे और एज अ बैट्समैन भी आपको पॉइंट देंगे। बैटिंग सेक्शन से एफ महमूद को रखा है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे, और रहीमी को रखा है ये भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। एचवार्ड आपको हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं। उसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तो मैंने बी अजीज़ को ट्राई किया जो कि बैटिंग बॉलिंग करेंगे, जाखिल को ट्राई किया बैटिंग बॉलिंग करेगा और ए रिस्टेन को ट्राई किया। उसके अलावा दोस्तों मैंने बॉलिंग सेक्शन से क्रमी को रखा है, विकेट टेकर बॉलर ने रजा को रखा है ये भी विकेट टेकर बॉलर है, और एडवर्ड और यहाँ पे रसल भी विकेट टेकिंग बॉलिंग एबिलिटीज़ के साथ बॉलिंग कराते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो टीम है उसका प्रीव्यू तो मैंने बता दिया। बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाए अपनी इस टीम में। तो देखिए कैप्टन का जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बी अजीज़ आपके सामने बेस्ट ऑप्शन है और यहाँ पर जखील आपके सामने बेस्ट ऑप्शन की पिक है। उसके अलावा आपके सामने ऊपर डी लिंकन है। डी लिंकन को मैं ऑलवेज आपसे कहता हूँ कि जब ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे तभी आप इनको कैप्टन बनाइएगा, क्योंकि चेस करते हुए इनका रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं रहा है, तो इसी कारण से तो मैं इनको कैप्टन बनाऊंगा नहीं। मैं कैप्टन यहाँ पे बी अजीज़ को बनाऊंगा और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं जाखिल को बनाऊंगा। बाकी आप चाहें तो रिस्टेन को वाइस कैप्टन बना सकते हैं जो कि एक प्रॉपर पिक है वाइस कैप्टन की, अगर लास्ट मैच की तरह परफॉर्म करते हैं तो। अदरवाइज तो मैं अभी के लिए सेफ जाऊंगा इस जाखिल के साथ। तो ये मेरे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन रहेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो टीम बेल्जियम है वो एक बार इंग्लैंड 11 को हरा के आ रही है, वो भी 7-8 विकेट से इसने हराया था, तो अच्छी खासी टीम है, एक बार फिर से ये करिश्मा कर सकती है। तो इसी कारण से मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पर अजीज़ महमूद और जाकिल को बना रहा हूँ जो कि मुझे सेफ ऑप्शन लगते हैं। तो आप लोग हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लीजिए, और जिस भी एप्लीकेशन पर आप लोग हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, जिस भी एप्लीकेशन पर आप लोग स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट खेलते हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को सेव कर सकते हैं। तो आप लोग हमारी टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ज़रूर ले लें, और जिस भी एप्लीकेशन पे आपका इन्वेस्टमेंट हो वहाँ पर जाकर अभी इस टीम को जाकर सेव कर लें, ताकि जब लास्ट मिनट में मैं कोई भी अपडेट करूँ तो आपको अपनी टीम को एडिट और चेंज करने में कोई भी समस्या ना आए। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइन अप टॉस के बाद, जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर अभी के समय मैं आपको बता दूँ 6,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाओगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो एक काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने भी मैचेस हो, जहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, ऑलवेज आप लोग विन करते रहे हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मैच को कवर करते हुए, तब तक के लिए जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।
जितने भी मैचेस हों, जहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट रहो, ऑलवेज आप लोग विन करते रहेगा हमारी टीम मैनेजमेंट से, हमारी टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।